हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 18 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वेल तो बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम एच आर प्लस, या फिर यहाँ पर हो जाएगा वाज, या फिर वर, या फिर हो जाएगा शैल बी, या फिर विल बी, ठीक है। प्लस कंप्लीमेंट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर वाज वर या फिर शैल बी विल बी का प्रयोग करना है, उसके बाद कंप्लीमेंट देना है, ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है हैं या फिर हो इत्यादि लगा रहे, तब आपको क्या करना है, एम इज आर का प्रयोग करना है, एम एच या फिर आर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे या फिर थी लगा रहे, तब आपको वाज वर प्रयोग करना है, ठीक है, वाज या फिर वर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और यदि किसी वाक्य के अंत में, जैसे कि यहाँ पर है रहूंगा, ठीक है, या फिर यहां पर आप देख लो कि रहेंगे, ठीक है, या फिर रहोगे, या फिर रहेगी, इनमें से कोई भी हो, ठीक है, तब आपको या तो शैल भी प्रयोग करना है या आपको विल भी प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरी बात, आई के साथ, ठीक है, या तो एम आएगा या फिर वाज आएगा या फिर शैल भी आएगा, ठीक है। वी के साथ आर आएगा या फिर वर आएगा या फिर शैल भी आएगा, ठीक है। यू के साथ आर आएगा, वर आएगा या फिर विल भी आएगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो भी होता है, जैसे कि हो गया आपका ही, ठीक है, या फिर हो गया सी, या फिर हो गया इट, या फिर कोई भी एक नाम जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है। तो इन सभी के साथ आपको क्या करना है, या तो ई जाएगा, ठीक है, या फिर वा जाएगा या फिर विल बी आएगा, ठीक है। और जो भी थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका दे, ठीक है, या फिर हो गया द बॉयज, जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, इसके साथ या तो आर आता है, ठीक है, या फिर वर आता है या फिर विल भी आता है, ठीक है। जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, इनके साथ या तो आर आएगा या फिर वर आएगा या फिर विल भी आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो, पहला सेंटेंस आपका है,
कि मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, अब यहाँ पर हूँ है ना, तो एम इज आर में से कोई एक आएगा, अब आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो आपको एम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट में जो भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तैयार था, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, आई के साथ वाज आता है, तो आपको वाज लिख देना है, उसके बाद रेडी, ठीक है। अब है मैं तैयार रहूंगा, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो। अब आई के साथ क्या आएगा, सेल भी आएगा, तो सेल बी, उसके बाद कंप्लीमेंट आपको दे देना है, ठीक है। मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। अब है हम लोग ईमानदार हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिखो, ठीक है। वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट, वी आर ऑनेस्ट। अब है हम लोग ईमानदार थे, तो क्या होगा, वी वर ऑनेस्ट, ठीक है। अब है हम लोग ईमानदार रहेंगे, तो वी वी के साथ क्या आता है, सेल बी आता है, ठीक है, तो सेल बी, उसके बाद कंप्लीमेंट, ठीक है। हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी सेल बी ऑनेस्ट। अब है तुम व्यस्त हो, तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, यू आर बिजी, ठीक है। अब है तुम व्यस्त थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर बिजी, ठीक है। अब है तुम व्यस्त रहोगे, तो क्या हो जाएगा, यू यू के साथ विल बी आएगा, ठीक है, विल बी बिजी, ठीक है। तुम व्यस्त रहोगे, यू विल बी बिजी। अब है वह उपस्थित है, फिर है वह उपस्थित थी, वह उपस्थित रहेगी, अर्थात किसी लड़की के लिए है, ठीक है, तो सी इज प्रेजेंट, ठीक है, वह उपस्थित है, सी इज प्रेजेंट। वैसे इस सेंटेंस में वह उपस्थित है कहने से पता नहीं चलता है कि लड़का है या फिर लड़की है, तो आप ही या फिर सी दोनों प्रयोग करेंगे। बट जो अगला सेंटेंस है, वह उपस्थित थी और वह उपस्थित रहेगी, थी और रहेगी से स्पष्ट है कि किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सी ही देना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने तीनों में सी दे दिया, ठीक है। वह उपस्थित थी, तो सी वाज प्रेजेंट, ठीक है, वह उपस्थित रहेगी, तो क्या आ जाएगा, सी, अब सी के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा, ठीक है, प्रेजेंट। राम नेक है, राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, राम के साथ क्या आएगा, ई जाएगा, उसके बाद जेंटिल कॉम्प्लीमेंट, राम नेक है, राम इज जेंटिल, राम नेक था। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, राम के साथ वा जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जेंटिल, राम नेक था, राम वाज जेंटिल। अब है राम नेक रहेगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अब राम के साथ विल भी आएगा, ठीक है, तो राम विल बी जेंटिल, वे लोग संतुष्ट हैं। पहले सब्जेक्ट, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, सेटिस्फाइड, ठीक है, वे लोग संतुष्ट हैं, दे आर सेटिस्फाइड। अब है वे लोग संतुष्ट थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर सेटिस्फाइड, ठीक है, वे लोग संतुष्ट थे, दे वर सेटिस्फाइड। अब है वे लोग संतुष्ट रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी सेटिस्फाइड, वे लोग संतुष्ट रहेंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड। अब है हम लोग नेता हैं, पहले तो आप सब्जेक्ट लिख लो, वी के साथ आर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देख लो, कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है ये काउंटेबल है, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, हम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, लीडर्स हो जाएगा, हम लोग नेता है, वी आर लीडर्स। अब है हम लोग नेता थे, तो वी लिखेंगे पहले, वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, और सेम थिंग रहेगा, लीडर्स हो जाएगा, ठीक है। अब है हम लोग नेता रहेंगे,
तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, वी के साथ क्या आता है, सेल बी आता है, ठीक है, तो वी सेल बी और लीडर्स हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन होगा उसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वह प्यासा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज थर्स्टी। अब है वह शर्मिली है, ठीक है, लड़की है तो सी देंगे, ठीक है, सी के साथ ई जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, तो सै, ठीक है, वह शर्मिली है, सी सै। अब है तुम निर्भीक हो, ठीक है, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखो, अब यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। अब निर्भीक का क्या होता है, या तो बोल्ड आप लिख सकते हो या फिर फियरलेस लिख सकते हो, ठीक है। बोल्ड मीन्स भी निर्भीक होता है और फियरलेस मीन्स भी निर्भीक होता है। तुम निर्भीक हो, यू आर बोल्ड या फिर यू आर फियरलेस। अब है वे नेक थे, ठीक है, तो हो जाएगा दे वर जेंटिल, वे नेक थे, दे वर जेंटिल। अब है आप लोग किसान थे, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, किसान आपका काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट हिंदी में जो आप लोग है एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है, तो कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है उसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है, यू वर फार्मर्स। आप लोग किसान थे, यू वर फार्मर्स। यह खट्टा है, ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना, ठीक है। अब इट के साथ क्या आता है, इज आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो सावर, यह खट्टा है, इट इज सावर। अब है यह लाभदायक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज यूजफुल, ठीक है, यह लाभदायक है, इट इज यूजफुल। अब है हम लोग सफल रहेंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। अब वी के साथ क्या आता है, सेल बी, ठीक है, तो वी सेल बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, सक्सेसफुल, ठीक है, हम लोग सफल रहेंगे, वी शैल बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ठीक है। हम लोग डॉक्टर बनेंगे, तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लो। अब देखो यहां पर बनेंगे है, ठीक है, तो वी के साथ क्या आता है, शैल बी आएगा, ठीक है, शैल बी। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दो कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है वो काउंटेबल है, तब आपको क्या करना होगा, इस नाउन को भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है, वी शैल बी डॉक्टर्स हो जाएगा, हम लोग डॉक्टर बनेंगे, वी शैल बी डॉक्टर्स।